चीन ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी नौसेना के एक मानव रहित ड्रोन को जब्त कर लिया है। यह एक अंडरवाटर ड्रोन है। वही ड्रोन के पकड़े जाने की खबर मिलते ही अमेरिका ने चीन से राजनयिक स्तर पर विरोध दर्ज कराया है और ड्रोन को तत्काल वापस किए जाने की मांग की है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि समुद्री ड्रोन वैधानिक तौर पर मिलिट्री सर्वे के लिए तैनात किया गया था। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि उनका यह ड्रोन दक्षिण चीन सागर के पानी की गुणवत्ता, तापमान आदि का अध्ययन करता है। अमेरिका के ड्रोन को पकड़े जाने से चीन ने इस क्षेत्र की संवेदनशीलता और बढ़ा दी है। चीन के अधिकारियों ने यह तो स्वीकार किया है कि अमेरिका ने विरोध दर्ज कराया है, लेकिन विरोध पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन को सूबे की खाड़ी से 50 मील की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में पकड़ा गया। वहीं अब अमेरिका ने चीन की इस कार्रवाई पर विरोध जताते हुए ड्रोन लौटाने की मांग की है। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन पूरी सतर्कता बरत रहा है। ऐसे में अमेरिका के इस ड्रोन के पकड़े जाने से दोनों देशों के रिश्तों में और कड़वाहट आ सकती है। बहरहाल अमेरिका ने अपना ड्रोन वापस मांगा है। देखना होगा कि चीन इस मामले पर क्या कार्रवाई करता है। देखते रहिए डीबी लाइव।